हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आ गया हूं, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि हमें कैसे अपना ईवे बिल का अपना पासवर्ड और यूजर नेम पता करना है। अगर आप दोनों चीज़ें भूल गए हैं, आपको नहीं याद है कि मेरा ईवे बिल का यूजर नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, तो इसके ऊपर मैं वीडियो में जानकारी लेके आ गया हूं, जिसमें मैं आपको दिखाने वाला हूं कि हमें कैसे अपना यूजर नेम पता करना है, कैसे पासवर्ड रिसेट करना है। तो इस जानकारी के लिए वीडियो से जुड़े रहिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो दोस्तों, अपना यूजर नेम और पासवर्ड पता करने के लिए ईवेबिल का सबसे पहले आपको गूगल पे ईवेबिल सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद पहला ही ऑप्शन आ जाता है ईवेबिल सिस्टम, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाता है। जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपको याद नहीं है कि आपने यूजर नेम बनाया है कि नहीं बनाया, तो उसकी कंफर्मेशन के लिए आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऑप्शन आया था, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कर्सिव से, ईवेबिल रजिस्ट्रेशन। तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाता है, जिसमें आपको अपना जीएसटी नंबर एंटर करना होता है, और उसके बाद आपको नीचे कैप्चे फिलअप करना होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं Y7V59, ये कैप्चे मैं यहाँ पर फिलअप कर दूंगा, और ऊपर अपना जीएसटी नंबर मैं यहाँ पे फिलअप कर दूंगा। फिलअप करने के बाद मैं नीचे यहाँ पे गो पे क्लिक कर देता हूँ। गो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा आ जाता है यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर इन ईवेबिल। अगर मेरा पहले से ही ईवेबिल में रजिस्टर्ड है, मेरा यूजर नेम बना हुआ है, तो मेरे को यहाँ पे अपना यूजर नेम दूसरे तरीके से पता करना होगा। तो मैं उसके लिए पिछले ऑप्शन में आके लॉग इन पर क्लिक कर दिया था मैंने। लॉग इन पर क्लिक करने के बाद आप नीचे देखेंगे राइट साइड में फॉरगॉट यूजर नेम का ऑप्शन आया था, जिसमें मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे मैंने अपना जीएसटी नंबर फिलअप कर लिया, उसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो आपका जीएसटी में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद नीचे आप देखेंगे यहाँ पे आपको फिर एक कैप्चे आ जाता है मिलने का, तो यहाँ पे आपको कैप्चे फिलअप कर लेना है। कैप्चे फिलअप करने के बाद आपको नीचे गो का ऑप्शन आता है, उस पर आपको कैप्चे फिलअप करने के बाद क्लिक कर लेना। जैसे ही आप गो पे क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ लिखा आ जाता है, वी हैव सेंट योर यूजर नेम टू योर मोबाइल नंबर एंड मेल आईडी। तो आपके मोबाइल नंबर और मेल आईडी पे यूजर नेम रिसीव हो जाता है। इसके बाद हम ओके करते हैं, तो ओके करने के बाद हमारे सामने फिर लॉगिन वाले पेज पर आ जाते हैं, जहाँ पे हमें नीचे लेफ्ट साइड में फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक कर देना है, क्योंकि हमें पासवर्ड भी नहीं मालूम था, तो मैंने यूजर नेम मेरे जो मोबाइल नंबर पर आया था वो मेरे को मालूम पड़ गया था, तो मैंने यूजर नेम फिलअप कर दिया। यूजर नेम फिलअप करने के बाद सेकंड ऑप्शन हमारा आ जाता है, जहाँ पे हमें अपना जीएसटी नंबर फिलअप करना होता है। मैं यहाँ पे अपना जीएसटी नंबर फिलअप कर देता हूँ। फिलअप करने का थर्ड ऑप्शन है हमारा, फिर हमें कैप्चे फिलअप कर लेना है। तो जो हमारा बॉक्स में कैप्चे शो कर रहा है, मैं यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ। फिलअप करने के बाद लास्ट ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन में हमें अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फिलअप कर लेना है। फिलअप करने के बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जब मैं सेंड ओटीपी पे क्लिक करता हूँ, तो हमारे मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी रिसीव होता है, जो हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो हमने यहाँ पे एंटर करा है। यहाँ आ गया ओटीपी सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, प्लीज चेक एंड प्रोसेस। तो हमने यहाँ पे ओके कर दिया था, हमारे नंबर पे जो ओटीपी आया था वो यहाँ पे हमें एंटर कर लेना है। एंटर ओटीपी वाले ऑप्शन में मैं यहाँ पे ओटीपी एंटर करके वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करता हूँ, ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली आ जाता है, यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। इसके बाद हमें यहाँ पे एंटर न्यू पासवर्ड का ऑप्शन आ जाता है। जानकारी के लिए बता दूँ, आपको पासवर्ड सेट करते समय एक बड़ा अक्षर कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक स्पेशल करेक्टर और फिर न्यूमेरिकल, ऐसा आप कुछ भी रख सकते हैं। पहले न्यूमेरिकल रख लें, कुछ भी रख लें, लेकिन ये आपको चार चीज़ें रखनी पड़ेंगी, एक बड़ा अक्षर, एक छोटा अक्षर, और फिर उसके बाद आप करने के बाद यहाँ पे नीचे गो पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देखें सक्सेसफुली हो चुका है पासवर्ड अपडेटेड। तो इसके बाद हमारा लॉगिन पेज खुल जाता है, जहाँ पे मैंने अपना लॉगिन करके एक बार देखना है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, पासवर्ड रिसेट करने के बाद आपको एक बार लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद आपको बता दूं आपको दोबारा पासवर्ड रिसेट करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया, अब यहाँ पे हमें दोबारा पासवर्ड रिसेट करने के लिए बोल रहा है। तो हमने यहाँ पे एग्जिस्ट पासवर्ड, मतलब जो हमने अभी पासवर्ड बनाया था, हमें पहले यहाँ पे वो एंटर करना होता है। वो पासवर्ड एंटर करने के बाद नीचे फिर जो दो हम अब नया बनाना चाहते हैं, उन दोनों में हमें नया वाला पासवर्ड एंटर करना होगा। मैंने जो अभी बनाया था वो मैंने एंटर कर दिया। अब हमें पासवर्ड चेंज किस नाम से क्या करना है वो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। मेरे को जो भी अब चीज़ें, जैसे मैंने आपको बता दिया था स्पेशल करेक्टर और बड़ा अक्षर, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, न्यूमेरिकल, इस टाइप के में आप कर सकते हैं। उसके बाद जब आपका पासवर्ड नीचे मैच हो जाएगा तो राइट टिक आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद लिख जाएगा, देख लीजिए कि पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली। अब फिर वहीं आप दोबारा उस लॉगिन पे आ जाते हैं, जहाँ पे आपको मैं आपको लॉगिन करके दिखा दूंगा कि हमारा पासवर्ड रिसेट हो चुका है। मैं यहाँ पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर कर दे रहा हूँ। फिर नीचे हमारा थर्ड ऑप्शन, मैं यहाँ पे कैप्चा भी फिलअप कर दूंगा, और फिर नीचे जो लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है मैं उस पर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद आप देख पाएंगे हमारा सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी मदद मिली हो तो हमारे चैनल कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी जानकारी भरी वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।